जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम करेंगे साइंस का बिल्कुल नया चैप्टर स्टार्ट, जिसका नाम है सोर्सेज ऑफ एनर्जी। ग्रुप में वोटिंग कराई थी तो काफी सारे बच्चों का जो वोट है वो आया था भाई साहब सोर्स ऑफ एनर्जी। समझने को चढ़ते हैं, इसका जो नाम है तो खुद ही बोल रहा है भाई, सोर्स ऑफ एनर्जी यानी कि ऐसी जगहें, ऐसे मटेरियल, ऐसे सब्सटेंस, ऐसे रिसोर्स जहां से हमें एनर्जी मिलती है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, सोर्स ऑफ एनर्जी। पर समझने की कोशिश करते हैं हमें इनकी जरूरत क्यों पड़ी। अरे भैया, एट्थ नाइन्थ में जब हम केमिकल रिएक्शंस लिखना बनाना सीखे थे तो उस टाइम पे हम लोगों को हमारे टीचरों ने एक बात पढ़ाई थी, क्या, एनर्जी रिमेन्स कंजर्व्ड। कंजर्वेशन के कुछ चार पांच लॉज हैं, उनमें से ये भी है कि एनर्जी रिमेन्स कंजर्व्ड, इट इज ऑलवेज कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ये बात कही थी। तो भाई साहब, जब एनर्जी कंजर्व्ड है, जब एनर्जी सिर्फ अपनी फॉर्म बदली कर रही है, तो हमें कहां से, हमें क्यों बार बार हम रिसोर्स ढूंढ रहे हैं। जब एनर्जी सिर्फ अपनी फॉर्म बदल रही है तो हम दोबारा उसकी फॉर्म को बदल देते हैं और दोबारा उसको यूज कर लेते हैं। समझाऊं, जैसे एक कप था, ठीक है, पानी गर्म किया 100 डिग्री सेल्सियस तक, ठीक है, उसके बाद रूम पे छोड़ दिया उसको, धीरे धीरे ठंडा होगा, जो उसकी हीट निकल रही है उसको फिर से संभाल लो, जो उससे ही, अरे कप था, ये कप था, पानी गर्म हुआ इसमें, ठीक है, उस जैसे उसको आपने रूम में रखा, वो हीट देगा धीरे 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 बाहर, वो गरम गरम देगा ना, गरम होता है ना कप, वो हीट देगा बाहर, उस हीट को आप संभाल लो, पानी ठंडा हो गया दोबारा उसको हीट दे दो, कप फिर से गर्म हो जाएगा। पर ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, समझ पा रहे हो। बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सही है कि एनर्जी इज कंजर्व्ड, एनर्जी इज कंजर्व्ड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, इट कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ये बात बिल्कुल सही है, बट क्या होता है जब हम कोई भी फिजिकल या केमिकल प्रोसेस करते हैं तो काफी टाइम पे एनर्जी जो होती है वो सराउंडिंग में लॉस्ट हो जाती है, और जब एनर्जी सराउंडिंग में लॉस्ट हो जाती है तो हमारे पास ऐसे मीडियम नहीं है कि हम दोबारा उस एनर्जी को यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकें। इसीलिए हमें सोर्स ऑफ एनर्जी की जरूरत पड़ती है ताकि हम अपनी डेली लाइफ, डेली एक्टिविटीज, हम उनको परफॉर्म कर सकें। सही बात है कि नहीं बात है, ठीक है, पूरा वर्ल्ड भाग रहा है सोर्स ऑफ एनर्जी के पीछे, पूरे ऑयल पेट्रोलियम गैसेस ले लीजिए, चाहे आप किसी भी तरह के सोर्स ऑफ एनर्जी ले लीजिए। अब आपको समझ आया हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि एनर्जी का जो कंजर्वेशन प्रिंसिपल है वो तो होल्ड करता है, बट एनर्जी इस फॉर्म में कन्वर्ट होती है हम उसको दोबारा यूज नहीं कर पाते। मैं आपको एक बहुत सिंपल एग्जांपल देता हूं, ठीक है, आपने सुबह खाना खाया, ब्रेकफास्ट किया, ठीक है, आपने मस्कुलर एनर्जी आ गया, आपको आ गई, जैसे आपके पास एनर्जी आ गई आपने साइकिलिंग करी, आप स्कूल पहुंच गए, ठीक है। अब यार जब आपने साइकिलिंग करके जो आपकी जो एनर्जी थी, ठीक है, आपने जो एनर्जी साइकिल को लगाई, क्या वो जो एनर्जी आपने साइकिल को लगाई क्या वो दोबारा आपको मिलने वाली है, वो तो चले गए ना सराउंडिंग में, वो तो आप एक जगह दूसरी जगह ट्रेवल कर गए, वो तो काइनेटिक एनर्जी, क्या किया आपकी आपकी बॉडी में एनर्जी थी, मैकेनिकल एनर्जी आपने किस पे लगाई, साइकिल पे लगाई, वो काइनेटिक बन गई, वो तो एनवायरनमेंट पे गई, आप ट्रेवल कर गए, वो एनर्जी अब दोबारा नहीं आ सकती, तो आपको दोबारा खाना खाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपने जो एनर्जी उसको साइकिल चला के आपने एनवायरनमेंट में छोड़ी, आप ढूंढ रहे हो, अच्छा भाई दोबारा आ जाए एनर्जी, खाना नहीं है मेरे पास, अच्छा दोबारा आ जाए, नहीं ना, ऐसा नहीं कर सकते ना, आपको दोबारा से खाना खाना पड़ेगा, आपको एनर्जी दोबारा से अपनी बॉडी में इंटेक करनी पड़ेगी। आप लोग समझ पा रहे हो। तो एनर्जी का जो कंजप्शन है ये मैंने एक सिर्फ एक इंडिविजुअल के लेवल पे बताया है, तो जो एनर्जी का ये कंजप्शन है ये एक रेगुलर प्रोसेस है, आप लोग समझ पा रहे हैं, ये एक रेगुलर प्रोसेस है। अब क्योंकि ये एक रेगुलर प्रोसेस है, हमें एनर्जी रेगुलरली चाहिए, तो हमें सोर्स ऑफ एनर्जी भी तो रेगुलरली चाहिए। सही बात है ना। अभी बहुत सिंपल सी बात है, बस जाती है, बस में क्या डलता है, डीजल, ठीक है, बस में डीजल डलता है, बच्चों को स्कूल लेके जाती है, ठीक है। अब धीरे धीरे जैसे उसका फ्यूल इग्नाइट होता है, वो पीछे पोल्यूशन के थ्रू किसमें निकलता है, एनवायरमेंट में निकलता है, तो क्या जो वो एनवायरमेंट में निकला, ठीक है, क्या वो लॉस नहीं हो गया, वो तो लॉस हो गया सराउंडिंग में, आप उसको दोबारा गैदर नहीं कर सकते, या जो बस जो ट्रेवल करी, बस की जो काइनेटिक एनर्जी बनी, ठीक है, आप उसको दोबारा गैदर नहीं कर सकते। आप समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूं, हम कुछ चीजें में एनर्जी क्या होती है दोबारा से रीयूज नहीं हो पा रही है, तो वो सराउंडिंग में लॉस हो जा रही है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कंजर्वेशन प्रिंसिपल फेल हो रहा है, कंजर्वेशन प्रिंसिपल तो हमें सेटिस्फाई हो रहा है, ठीक है। मान लो आपने 100 जूल का आपने डीजल फूका, 100 जूल में से मान लो उसमें से 80 जूल में काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो गई और बाकी जो 20 जूल है वो हीटिंग में लॉस हो गया। तो देखो 100 जूल इक्वल 100 जूल, कंजर्वेशन प्रिंसिपल तो होल्ड कर रहा है, बट जो एक एनर्जी है ये दोबारा से आप रीयूज नहीं कर पा रहे यार। तो क्योंकि आपको तो कंटिन्यूअस एनर्जी चाहिए ना, है ना। एक और एग्जांपल लेते हैं, बहुत सारे एग्जांपल हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। ये ऊपर हमारे ऊपर लाइट जल रही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मैंने खट से स्विच दबाया, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट गया, बल्ब जला, इलेक्ट्रिकल एनर्जी गई। अब इस बल्ब ने लाइट की फॉर्म में एनर्जी एमिट कर दी, क्या मैं दोबारा, अब जो ये लाइट मेरे रूम में आ रही है, क्या मैं दोबारा इस लाइट को गैदर करके दोबारा से इसको दे सकता हूँ कि ले भाई इलेक्ट्रिकल एनर्जी ले और फिर से बल्ब फिर से जल जा, नहीं ना। तो कुछ प्रोसेस जो है वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। हो सकता है आने वाले समय में ऐसी टेक्नोलॉजी आ जाए, समय का कुछ नहीं पता,
ठीक है, साइंस कितनी भी ग्रो कर सकती है उसमें हम कमेंट अभी कर ही नहीं सकते, अभी इस कंडीशन पर है कि हम कुछ कमेंट नहीं कर सकते। टेक्नोलॉजी तो ये भी कमेंट करती है 2045 तक जो ह्यूमन बींग है वो अपने जो ऑर्गन्स हैं वो खुद ही से डेवलप करने स्टार्ट कर देंगे प्रिंटर्स के थ्रू और अलग अलग टेक्नोलॉजीज के थ्रू। टेक्नोलॉजी तो बहुत कुछ क्लेम करती है, तो उसमें अभी से नहीं जाऊंगा। आप लोग समझे कि कैसे एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैंने बल्ब को दी, बल्ब लाइट एनर्जी बन गई, लेकिन दोबारा से वो लाइट एनर्जी को आप फिर से इलेक्ट्रिकल नहीं बना सकते, समझ रहे हो? मतलब जो लाइट यहां पर आ गई, हालांकि अगर बहुत हाई फ्रीक्वेंसी की होती है, मैं प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं, इस लाइट को आप अभी कन्वर्ट नहीं कर सकते दोबारा से उतनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। मान लो इसने, मान लो यहां से आपने इसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी दी 10 जूल दी, ठीक है, मैंने स्विच ऑन किया, 10 जूल एनर्जी गई और बल्ब जल गया, ठीक है, कुछ बल्ब की हीटिंग में लॉस हुआ, 1 जूल उसकी हीटिंग में लॉस हो गया, वो तो वैसे ही गया, 1 जूल तो आपको मिलने गई नहीं, 9 जूल इसने एमिट कर दी, ठीक है। मान लो आपके पास कोई प्रोसेस आ गया, ठीक है, आपने 9 जूल को दोबारा करंट बनाने की कोशिश करी, तो क्या इस 9 जूल से दोबारा एनर्जी बनेगी, दोबारा 9 जूल बन पाएगी? कहीं भी नहीं बन पाएगी, कोई भी प्रोसेस दुनिया में 100% नहीं होता। हाँ, लाइट से भी हम इलेक्ट्रिसिटी कन्वर्ट कर सकते हैं, उसको बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, वो आप लोग 12th क्लास में जाके पढ़ोगे किस तरह से लाइट से, लेकिन तो लाइट बहुत हाई फ्रीक्वेंसी की होती है, वो ये नॉर्मल लाइट, इस तरह के नॉर्मल जो हमारे जो रूम में बल्ब लगे होते हैं, इस तरह के नॉर्मल बल्ब नहीं होते, बहुत ही हाई फ्रीक्वेंसी की लाइट होती है। सही बात है कि नहीं बात है? तो अब मैं समझ पा रहा हूँ कि आपको इस चैप्टर जो हम पढ़ रहे हैं सोर्स ऑफ एनर्जी हम क्यों पढ़ रहे हैं, आपको समझ आ रहा होगा ना, क्योंकि हमें रेगुलर बेसिस में एनर्जी की जरूरत है। देखिए चैप्टर के अंदर क्या होता है, कंटेंट होता है, बहुत सारा थ्योरी होता है, हमको पढ़ना होता है, उसको रट के हमको नंबर लाने होते हैं, समझना होता है, बट पहले आपको चीज़ें समझ आनी चाहिए कि हम सोर्स ऑफ एनर्जी पढ़ क्यों रहे हैं, ये कहाँ से ड्राइव हुआ है। इसीलिए बोलता हूँ बुक रीडिंग हमेशा करनी है, हमेशा, चाहे कुछ भी हो जाए, पहली चीज। दूसरी चीज, चीज़ों को समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि आगे जाके आपको बहुत सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स देने होंगे, सिर्फ बॉडी थोड़ी देना, आपको बहुत सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम देने, वहाँ आपको NCERT का एनालिसिस प्रॉपर तरीके से आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि अब जो है बड़े बड़े एग्जाम्स, अच्छे अच्छे एग्जाम्स फैक्चुअल क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, वो अब कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन पूछते हैं, वो आपके एनालिटिकल पैटर्न को चेक करना चाहते हैं कि आप सही में किस तरीके से सोचते हो चीज़ों को लेकर। सही बात है कि नहीं बात है? तो बहुत बढ़िया चैप्टर होने वाला है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और पूरा थ्योरेटिकल चैप्टर है, ठीक है, और बहुत ही चीज़ें इसमें समझने वाली हैं, ठीक है, स्टार्ट करें। चलिए, तो मैंने आपको बताया सोर्स ऑफ एनर्जी के बारे में, ठीक है, आपको समझ आ गया सोर्स ऑफ एनर्जी हम लोग क्यों यूज करते हैं, क्या कहानी है। अब देखिए, इसमें सबसे पहले हमारे पास सोर्स ऑफ जिन चीज़ से हमें एनर्जी मिलती है उसको हम लोग एक कॉमन नाम देते हैं, उसको बोलते हैं फ्यूल, हम लोग उसको एक फ्यूल का नाम देते हैं, या सोर्स ऑफ एनर्जी बोल लो, फ्यूल बोल लो, कुछ ही बोल लो। सबसे पहली चीज, सबसे पहला मैं आपसे कॉमन टॉपिक बोलूंगा, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड फ्यूल, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड फ्यूल, यानी कि एक जो अच्छा फ्यूल होता है, एक बढ़िया फ्यूल होता है, उसके कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं, ठीक है। मैं आपसे एक जनरल सा क्वेश्चन पूछ रहा हूं, आप क्या करो, हमेशा जब भी कभी, ये इतना सिंपल सा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन का आंसर ना पहले अपने माइंड में खुद से सोचो, इससे क्या होगा, आपका जो ब्रेन है वो डेवलप करना स्टार्ट करेगा। खुद सोचो, भाई बुक मत पढ़ो, पहले बार खुद सोचो, यार एक अच्छा फ्यूल है, मेरे घर में आसपास हम फ्यूल यूज करते हैं, कोई ऐसा फ्यूल होता है जो धुआं बहुत छोड़ता है, हम लोग देखते हैं पोल्यूशन क्रिएट कर रहा है, कोई पोल्यूशन नहीं क्रिएट करता, किसी को हमें इतना जलाना पड़ता है तब हमें इतनी सी एनर्जी मिलती है, किसी में हमें एनर्जी ज्यादा मिलती है। तो आप खुद से सोचोगे, आपका ब्रेन डेवलप करेगा और आपका ब्रेन आपको खुद आंसर देगा, ठीक है, क्रैमिंग का लेवल आपका कम होता जाएगा, क्रैमिंग कम करते चलेंगे हम लोग, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड फ्यूल, सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक जो मैंने अभी भी थोड़ी देर पहले बताया, इट, आई रिपीट, इट शुड नॉट प्रोड्यूस मच पोल्यूशन। देखिए, हर फ्यूल पोल्यूशन प्रोड्यूस करता है, चाहे वो किसी भी काइंड का हो, एयर नहीं हो तो नॉइज करेगा, नॉइज नहीं हो तो कुछ और करेगा, तो मैं कह रहा हूं कि इट शुड नॉट प्रोड्यूस मच पोल्यूशन, कम पोल्यूशन करना चाहिए, जितना कम पोल्यूशन होगा उतना ही आपका जो फ्यूल है उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा, मच, इट शुड नॉट प्रोड्यूस, ये सब मैं नोट्स में प्रोवाइड कर दूंगा, इट शुड नॉट प्रोड्यूस मच पोल्यूशन, ठीक है। अरे भैया, पोल्यूशन तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि आने वाले टाइम में जो क्लाइमेट चेंज हो रहे हैं, ये आने वाले टाइम में ह्यूमन के लिए बहुत बड़ा सदत बनने वाले हैं, इसको लेके काफी सारी वर्ल्ड की जो कंट्रीज अब यूनाइटेड हो चुकी हैं, कॉन्फ्रेंस ऑफ पेरिस इसी को लेके होती है, ठीक है। रिसेंटली अभी जो हुई थी उसमें उनका एजेंडा था कि जो कार्बन क्रेडिट है, जो कार्बन का जो पूरा जो क्रेडिट हो रहा है एटमोसफेयर में, उसको हम लोगों को कंट्रोल करना है। इसमें उन लोगों ने 3 कंट्रीज डिवाइड की थी, ये सब ज्ञान के लिए बता रहा हूँ, इसमें उन लोगों ने 3 कंट्रीज डिवाइड की थी, डेवलप्ड कंट्रीज, डेवलपिंग कंट्रीज और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज, और उन्होंने हर कंट्रीज को अपनी एक लिमिट दे दी कि भाई साहब आप इतना अमाउंट में प्रोड्यूस कर सकते हो, आप इतना अमाउंट में प्रोड्यूस कर सकते हो, आप इतना अमाउंट में प्रोड्यूस कर सकते हो।
तो उसको लेके यूएस और इंडिया में कुछ लड़ाई भी उस टाइम पे कुछ बहसबाजी हुई थी बहुत सारी, ठीक है, बड़ी कहानी है उसकी भी। आपको पहला बात समझ आया क्यों मैंने ये बातें बोली, पोल्यूशन क्यों कम होना चाहिए। मैं आपको रीजन दे रहा हूँ, सिनेरियो समझिए, ग्लोबल वार्मिंग बहुत सारी चीजें होती हैं, इट शुड नॉट प्रोड्यूस मच पोल्यूशन, पहला तो सही कैरेक्टरिस्टिक है। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक हमारे भाई और बहनों, इट शुड हैव मॉडरेट। एक एक पॉइंट समझते हुए चलेंगे, चीजों को समझना बड़ा बड़ा मस्त होता है, ठीक है, सही बात है कि नहीं। बड़े लिखाने में तो बड़ा मैथ खड़ा करके लिखा देंगे, पर समझो उसको, इट शुड हैव मॉडरेट इग्निशन टेम्परेचर। समझने की कोशिश करते हैं, इट शुड हैव मॉडरेट इग्निशन टेम्परेचर, ये तो समझ नहीं। मॉडरेट मतलब बीच का, 50-50 इग्निशन टेम्परेचर। समझने की कोशिश करते हैं मैंने ये बात मैंने क्यों बोली। देखिए मान लो मेरे पास दो फ्यूल है, ये है फ्यूल एक्स और ये है फ्यूल वाई, चलो एक और ले लेते हैं, ये है फ्यूल जेड। मेरे पास तीन फ्यूल है, ठीक है, ये फ्यूल मेरे पास राम लेके आया, ठीक है, ये फ्यूल मेरे पास कौन लेके आया, राम, ये कौन लेके आया, चटपट, ये कौन लेके आया, चटपट, बोलो यार, ये कौन लेके आया, चटपट, और ये फ्यूल मेरे पास लेके आई आंचल, कौन लेके आई भाई जी, आंचल, ठीक है। तो मेरे को राम ने जो फ्यूल दिया उसने बोला भैया आग लगाओ, फ्यूल पे आग लगाओ और एनर्जी पाओ। मैंने आग लगा दी नीचे से फ्यूल पे, मैंने बोला भाई चलो सोच रहा जिसम भाई एलपीजी करते ना पहले इग्नाइट करना पड़ता है, वो तो एकदम जल जाता है, बढ़िया है ना, इसको इग्नाइट किया, मैंने आग लगाया, मैंने बोला अब जलेगा एनर्जी मिलेगी। दिमाग की दही हो गई, एनर्जी नहीं मिल रही है, दिमाग की दही हो गई, क्या नहीं मिल रही है, एनर्जी नहीं मिल रही है। लगा पड़ा आग लगाने पे मतलब इतना हाई टेम्परेचर दे दिया फिर भी वो जल नहीं रहा है, फिर भी वो बर्न नहीं हो रहा है, फिर भी वो इग्नाइट नहीं हो रहा है, एनर्जी नहीं दे रहा है, तो क्या कोई फायदा हुआ, लॉस हो गया मेरे भाई। जितनी उसने एनर्जी देनी थी उससे आपने लगा दी नीचे से, पर वो जला ही नहीं, बिल्कुल ही सुस्त लल्लू राम है, बिल्कुल ही बेकार है। तो इसका मतलब इसका जो इग्निशन टेम्परेचर है वो बहुत लो है, नहीं सॉरी बहुत हाई है इसका, उल्टा बोल दिया, इसका इग्निशन टेम्परेचर बहुत हाई है, मतलब कितना हाई टेम्परेचर दूंगा तब जाके ये जलेगा, सही बात है कि नहीं बात है। अब बढ़ते थोड़ा सा आगे, ठीक है, सही बात है, बोलो यार, ठीक है। ये इस चैप्टर की पहली वीडियो है, इंट्रोडक्शन है, इसीलिए वीडियो पब्लिक होगी, इसके बाद क्या हो जाएंगी, समझदार हैं आप लोग, हाँ ये वीडियो पब्लिक होगी क्योंकि पहली इंट्रोडक्शन वीडियो है, बोलो यार। अब आते हैं अगली बात, चटपट के ऊपर, चटपट को जो मैंने फ्यूल दिया, मैंने भाई साहब मैं बता रहा हूँ उसको मैंने फ्यूल दिया, मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने कोई हीट नहीं दी, अपने आप ही बढ़ा बढ़ा, जैसे न्यूक्लियर रिएक्शन होती ना, अगर ओपन में छोड़ दो उसको तो खुद ही खुद होना स्टार्ट होता है, गैस लीक होगी, न्यूक्लियर रिएक्शन होगी, बड़ी खतरनाक तरीके से। मैंने कोई हीट वूट कुछ नहीं दी, अपने आप ही उसने एलर्जी देना स्टार्ट कर दिया, सराउंडिंग में बुरी तरह से फैल गया, आग उसे लग गई। तो यार इसका मतलब इसको तो संभालना बड़ा मुश्किल है, इसे मैं कैसे संभालूंगा, इसके लिए मुझे बहुत बड़ा सेटअप चाहिए, इसको मुझे प्रिवेंट करके रखना पड़ेगा, कहीं से ये आग ना पकड़ ले, कहीं से कुछ ना हो जाए, तो इसको लेके बड़े रिस्क हैं। तो इसका जो इग्निशन टेम्परेचर है वो बहुत ही लो है, बहुत जल्दी आग पकड़ ले रहा है, तो ये भी मेरे लिए ज़्यादा अच्छा नहीं है। मुझे एक ऐसा फ्यूल चाहिए जो कि बड़ी आसानी से भी आग ना पकड़ ले और बहुत मुश्किल भी ना करे मेरे लिए, मतलब ठीक ठाक सी रेंज में मैं हल्की सी चिंगारी दूँ, और आग जैसे एलपीजी होता है आपका, हल्की सा नॉर्मल चिंगारी देते हैं और चल जाता है, ऐसा भी नहीं है कि लाइटर मारा नहीं और गैस जल गई, वहाँ रोटी पकड़ी, ऐसा सोचता है नहीं सोचता, या फिर ऐसा भी नहीं कि वहाँ बैठ गए पूरा आग लगे, लाइटर मार रहे हैं, इधर से माचिस मार रहे हैं, इधर से कुछ मार रहे हैं, सब कुछ मार रहे हैं, पूरी आग लगा दी उसमें, पर वो साला एलपीजी नहीं जला, ऐसा कभी होता है नहीं होता है। तो इसका मतलब वो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो सकते ना, इसीलिए जेड फ्यूल जो होगा सबसे बढ़िया होगा। टेम्परेचर कैसा होना चाहिए, मॉडरेट, यानी कि आप उसको संभाल भी आसानी से सकें और वो इग्नाइट भी आसानी से हो जाए, तो इसीलिए बोलते हैं इट शुड हैव मॉडरेट इग्निशन टेम्परेचर। मैं उम्मीद कर रहा हूँ अब आप ये पॉइंट जिंदगी में कभी भी नहीं भूलेंगे, अगर भूल गए तो किसको याद करना, चटपट को, आंचल को और राम को, आपको याद आ जाएगा। अब बात करते हैं इसकी तीसरी पॉइंट की, ठीक है, इसमें तीन ही पॉइंट है, फिर हम गुड सोर्स पर जाएंगे। इसका तीसरा पॉइंट है, समझने की कोशिश कीजिए, इट शुड रिलीज अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, इट शुड रिलीज अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। इसको प्यार से साइंटिफिक टर्म में बोलते हैं, दैट इज हाई कैलोरिफिक वैल्यू, शुड हैव हाई कैलोरिफिक वैल्यू। कोई भी फ्यूल है जिसकी कैलोरिफिक वैल्यू ज्यादा होगी वो हमारे लिए उतना बढ़िया है। अब समझते हैं कैलोरिफिक वैल्यू या हाई एनर्जी में, मैं समझ सुनाने की कोशिश करता हूं। जैसे मान लो मैंने दो फ्यूल लिए, एक फ्यूल लिया एक्स और एक फ्यूल लिया वाई,
दोनों का अमाउंट 1 kg है, इसका भी 1 kg है, इसका भी 1 kg है, ठीक है। दोनों को आपको उठाने बराबर दिक्कत है, देखो 1 kg भी आप उतनी दिक्कत से उठा के ले गया है और इसका 1 kg भी आप उतनी दिक्कत से, दोनों का उठाने बराबर प्रॉब्लम उठानी पड़ी आपको, ठीक है। आपने क्या किया, आपने जब इसको यूज किया तो आपको जो एनर्जी मिली वो मिली 100 joule, और आपने जब इसको यूज किया तो आपको एनर्जी मिली 1000 joule, ठीक है। नॉर्मल कंडीशन आपने इनको यूज किया, बिल्कुल सेम कंडीशन थी, तो आप बताओ कौन सा बेटर है आपके लिए, आपके लिए बेटर कौन सा है ये। तो सेम अमाउंट में देखिए, अब आप कंपेयर करेंगे कलर वैल्यू, ये 1 kg था, ये 1 kg था, सेम अमाउंट में जो आपको ज्यादा एनर्जी दे रहा है उसको बोलेंगे इसकी कैलोरीफिक वैल्यू क्या है, ज्यादा है। कैलोरीफिक वैल्यू हमेशा अमाउंट के साथ में कंपेयर होती है, ऐसा नहीं होगा कि आपने बोल दिया भाई मेरे पास 2 फ्यूल है, इसने दी 1000 joule और इसने दी 500 joule, तो आपने ये मत बोल देना कि 1000 joule की कैलोरीफिक वैल्यू ज्यादा है, नहीं, पहले ये देखो कि 1000 joule कितने अमाउंट में प्रोड्यूस करी, पता लगा 1000 joule एनर्जी के लिए इस बंदे ने 10 किलो ले लिया और इस बंदे ने 500 जूल के लिए सिर्फ 1 ही किलो लिया, तो कौन बढ़िया है, 500 जूल में 1 kg। तो हमेशा कैलोरीफिक वैल्यू में अमाउंट भी कंपेयर करनी है आपको, मतलब कम से कम अमाउंट में ज्यादा से ज्यादा एनर्जी दे, ये एक फ्यूल की बहुत अच्छी वो है, ठीक है। अब मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देते हैं, अरे घर में खाना बनाने के LPG लेके आते हो ना सिलेंडर, क्योंकि उसमें एक कॉम्पैक्ट से एरिया में काफी ज्यादा एनर्जी आ जाती है। अभी भूसे का ट्रैक्टर लेके आओ घर में रोटी बनाने के लिए, कि ला भाई भूसे का ट्रैक्टर लिया है, साले भूसा फूंक रहे वहां है, कितना सारा भूसा आएगा, तब जाके थोड़ी सी तुम्हारा 1 दिन का 2 दिन का काम चलेगा। आप लोग समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ, क्योंकि जो भूसा होता है या वुड होती है बिल्कुल सिंपल, वही आप वुड लेके आए ना, कितना वुड लेके आते हो और कितने दिन चलती है वो, और एक सिलेंडर कितने दिन चलता है, तो आप खुद से कंपेयर कीजिए किसी कलर की वैल्यू कितनी ज्यादा है, समझ पा रहे हो ना। बिल्कुल अपने आसपास चीजों को देखना है, साइंस को अपनी डेली लाइफ से जोड़ो, साइंस को जब अपनी डेली लाइफ से जोड़ोगे, स्पेशली फिजिक्स और केमिस्ट्री, बायो तो खैर बॉडी के अंदर चल रही है, केमिस्ट्री जोड़ने कभी कभी मुश्किल आती है, फिजिक्स को आप बिल्कुल अपनी लाइफ से जोड़ सकते हो, इसीलिए इसे फिजिक्स कहते हैं, फिजिकल वर्ल्ड, ठीक है। जो हमारे आसपास हो रहा है, इंद्रधनुष का दिखना, बरसात का होना, मौसम का बदलना, फूलों का झड़ना, समझ रहे हो आप लोग मैं क्या कह रहा हूँ, तो ये सब चीज़ें फिजिक्स के अंदर आती हैं, तो इसको एनालाइज करना, समझना और अपने बिल्कुल मतलब एकदम अंदर बैठा लेना बहुत ही आसान है, बस आपको एनालाइज करना पड़ेगा। आपको समझ आए 3 पॉइंट, कैरेक्टरिस्टिक समझ आए, बोलो यार बोलो, है ना, सही बात है कि नहीं बात है, होके एक हादसा बाजार में आ जाएगा, होके एक हादसा बाजार में आ जाएगा, जो नहीं हुआ वो अखबार में आ जाएगा, सही बात है कि नहीं बात है। छोड़ के चले गई मेरे को, पता वो बहुत दुख होता है मेरे को, छोड़ के चले गई, बट कोई बात नहीं। हाँ, अब बात करते हैं व्हाट इज अ गुड फ्यूल, एक क्वेश्चन लेते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स अलग चीज है, व्हाट इज अ गुड फ्यूल, व्हाट, राइटिंग देख रहे हो मेरी, अरे यार, व्हाट इज अ गुड फ्यूल, इसीलिए मुझे फिजिक्स पढ़ाने में सबसे ज्यादा मजा आता है और इसीलिए मैं फिजिक्स की फील्ड में घुस गया, है ना, क्योंकि यहाँ क्या कि चीज़ें हमको दिखती हैं यार। जब मैं 10th में था मुझे पढ़ाया गया, ठीक है, मेरे स्कूल में पढ़ाया गया भाई ये FeSO4 और जिंक सल्फेट और प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, बोल दिया सॉलिड बनेगा। अभी भाई लैब में मुझे लेने गए, मुझे बना के दिखाया नहीं प्रेसिपिटेट, ऐसा करके भाई बन रहा है प्रेसिपिटेट, वो मेरी कल्पनाओं में रह गया, सोच में रह गया, हाँ ये बेरियम सल्फेट ना वाइट होता, वाइट प्रेसिपिटेट, वो बस मेरे सोच में रह गया, समझ रहे हो, ऐसी बायो है, मैंने कभी लंग्स नहीं देखे किसी के, है ना, इतना भगवान ने इतना सौभाग्य नहीं दिया मेरे को किसी, मुझे फेफड़ा दिखा दिया लाके, तो चीज़ें क्या है कि समझने मुश्किल आती हैं, बट फिजिक्स क्या है, हमें समझा भाई मैकेनिकल एनर्जी रिवर फ्लो करती है, ऐसा होता है, चीज़ें दिख रही हैं, साइकिल चल रही है, हम एनालाइज कर पा रहे हैं, बल्ब जल रहा है, इलेक्ट्रिक करंट करंट का झटका भी खाया है, हाँ इलेक्ट्रॉन नहीं दिखा वो बात अलग है, बट समझने में बड़ा मजा आता है उसको, आप लोग समझ पा रहे हैं। तो फिजिक्स मुझे बचपन से मतलब ऐसा लगा कि इस पर मैं अटैच हो सकता हूँ, ये मुझे मोक्ष की तरफ ले जा सकती है, ठीक है, और जब मुझे छोड़ के गई तो फिर फिजिक्स ने संभाल लिया, बात बन गई। फिर अब बात करते हैं व्हाट इज अ गुड फ्यूल, सबसे पहला पॉइंट, एक गुड फ्यूल वो होता है, बिल्कुल शॉर्ट पॉइंट लिखा रहा हूं, मेरे पास नोट्स पूरे के पूरे बने हुए हैं, आपको मिल जाएंगे, आपको यहां से लिखने की जरूरत नहीं है। इजी टू ट्रांसपोर्ट, एक ऐसा फ्यूल जिसको ट्रांसपोर्ट करना बड़ा ही आसान हो, उसे हम बोलते हैं गुड फ्यूल, ठीक है भाई। मान लो फिर से एग्जांपल लेंगे भूसे वाला, ठीक है, ये बहुत बड़ा भूसे का एक ट्रक था जिसपे एनर्जी सिर्फ कितनी दी आपको 10 joule, ये एक छोटा सा
इतना सा बिंदु था यूरेनियम का, किसका भाई, यूरेनियम एक न्यूक्लियर फ्यूल होता है, जो इतना सा बिंदु भी आपको पता नहीं कितनी एनर्जी दे देगा। तो इसको ट्रांसपोर्ट करना, हाँ थोड़ा सा केयर चाहिए, बट इसको ट्रांसपोर्ट करना आसान है, इसको ट्रांसपोर्ट करना मुश्किल है। लेके जाओगे पूरा ट्रैफिक जाम लगा देगा जगह जगह पे। तो इसको ट्रांसपोर्ट करना क्या है, मुश्किल है, कॉस्ट बहुत पड़ जाती है। इसको ट्रांसपोर्ट करना आसान है, इसको आराम से सिलेंडर ही है ना, गाड़ी पीछे रखे एक बंदा बैठा है, चल भाई ले गए हैं, लकड़ियां मतलब उठा के लगा सर पे, और लकड़ियों में काम भी कुछ नहीं चलता है ना, सिलेंडर में दो बंदे एक बंदा पीछे बैठा है, पकड़े थोड़ी सी मिट्टी मुट्टी जाती है, बात अलग है। ठीक है, समझ आ गया ना आप लोगों को मैं क्या कह रहा हूँ? ठीक है, इट शुड बी इजी टू ट्रांसपोर्ट। सेकंड पॉइंट क्या होगा, इट शुड बी पोल्यूशन फ्री। अब यार देखो ये तो आइडियल लाइन हो गई, बिल्कुल कुछ पॉइंट आपको लगता है कि सेम मैच कर सकते हैं, करने दो कोई बात नहीं भाई, जो गुड है वही तो कैरेक्टरिस्टिक्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड फ्यूल, और एक गुड, व्हाट इज अ गुड फ्यूल मत करो, करो व्हाट इज अ गुड सोर्स ऑफ एनर्जी, करो व्हाट इज अ गुड सोर्स ऑफ एनर्जी। हालांकि बात एक ही है, व्हाट इज अ गुड सोर्स ऑफ एनर्जी, काफी सारे पॉइंट आपके सेम निकल के आने वाले। ठीक है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, बस चीजों को समझते चलो। ठीक है, ये वाला पॉइंट आपको समझ आ गया, मैंने आपको पहले समझा दिया। थर्ड, इट शुड बी पॉल्यूशन फ्री, हम कोशिश करें कि वो पॉल्यूशन फ्री रहे। ठीक है, हालांकि उसमें कुछ पॉल्यूशन तो वो कॉज करेगा, चाहे साउंड का हो चाहे किसी का हो, बट उससे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आपका आ रहा है, इट शुड बी इकोनॉमिकल। कैसे लिखो ना यार, कितना बड़ा क्यों लाइन लिखा, इकोनॉमिकल वो लाइन तो मैं नोट्स में आपको दूंगा ही। इकोनॉमिकल समझते हैं, इकोनॉमिकल क्या होता है, मतलब सस्ता। अरे यार, एक उस वो फ्यूल आपके किस काम का, जिसे आप खरीद ना सको, किसी काम का है ना, बोलो इतना बढ़िया फ्यूल है पर मैंने आज तक खरीदा ही नहीं। तो क्यों बोल रहा है बढ़िया भाई, जब तूने खरीदा नहीं तो क्यों बोल रहा है बढ़िया है भाई? बढ़िया कब बोलता है इंसान, जब किसी को जज करता है, बोला वो बंदी बढ़िया थी, बात कभी की नहीं, बंदी बढ़िया थी। अब बंदी कैसे बढ़िया थी यार वो, जब तूने उससे बात नहीं करी तो, है ना, मतलब समझो ऐसी फ्यूल है, जब तक आपने फ्यूल यूज नहीं किया कैसे बोल दोगे बढ़िया है? तो हमारे लिए तो फ्यूल वही बढ़िया है ना, जिसे हम अफोर्ड कर सकते हैं, जिसे हम खरीद सकते हैं। अरे भाई, जब मैं डायमंड खरीद ही नहीं सकता तो मैं बोलूंगा डायमंड अच्छा है? मैं क्यों बोलूँ मेरे डायमंड अच्छा है भाई, कि डायमंड ऐसा है वैसा है ना, मैं क्यों उसकी तारीफ करूँ फालतू में? तो फ्यूल कैसा होना चाहिए, इकोनॉमिकल होना चाहिए, जिसको आप अफोर्ड कर सको, खरीद सको मेरे बच्चों। सही बात है कि नहीं बात है? ठीक है, आपकी रेंज में होना चाहिए, लिमिट में होना चाहिए, उसी को हम बोलते हैं अच्छा फ्यूल। फोर्थ पॉइंट के ऊपर आते हैं, फोर्थ पॉइंट बिल्कुल वही जो आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ लिया है। ठीक है, इट शुड हैव मॉडरेट इग्निशन टेम्परेचर। सही बात है कि नहीं बात है ना, मॉडरेट इग्निशन टेम्परेचर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हाई कैलोरीफिक वैल्यू, वाला पॉइंट दोबारा लिखा रहा हूँ, हाई कैलोरीफिक वैल्यू। आप लोग समझ रहे हैं, हाई कैलोरीफिक वैल्यू मतलब मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया है कि जो आपको कम से कम अमाउंट में ज्यादा एनर्जी दे, वही आपका एक गुड सोर्स ऑफ एनर्जी है, अच्छा सोर्स ऑफ एनर्जी है। अब आते हैं अपने पांचवें पॉइंट के ऊपर, कौन से पॉइंट के ऊपर, फिफ्थ पॉइंट के ऊपर, इजिली स्टोर्ड। मतलब एक ऐसा फ्यूल, एक गुड सोर्स ऑफ एनर्जी वो है जिसको आप इजिली स्टोर कर सकते हो, है ना। मैं आपको समझाता हूं, जैसे मान लो आपके पास लकड़ियां हैं, ठीक है, और आपको लकड़ियों से एक महीने का खाना बनाना है, वो लकड़ियां स्टोर करने के लिए आपको कितनी जगह चाहिए, ये आप भी सोच सकते हैं। और वही आपका एक महीना एलपीजी सिलेंडर चलता है, आप कितना सारा स्टोर हो जाता है। मैं बिल्कुल रियलिस्टिक एकदम आसपास के एग्जांपल दे रहा हूँ, बोल के बार बार इधर एलपीजी के पीछे घुसा हुआ है। अब एलपीजी में घुसने का लॉजिक है, ठीक है, उसको आप रिलेट कर पा रहे हो, आप खुद और सोच लो, मैं कौन सा मना कर रहा हूँ, आप सोचो। बट मैंने क्या बोला, इजिली स्टोर, एक ऐसा फ्यूल ऐसा ना हो कि हमें उसको स्टोर करने में बड़ी सदर्दी हो रही है, हमें इतनी स्पेस चाहिए उसको यूज करने, जैसे हमारा बायोगैस प्लांट होता है, ठीक है, वो एक ऐसा सोर्स ऑफ एनर्जी है जिसको मतलब स्टोर करने में हमें काफी ज्यादा जगह चाहिए होती है, अन्य चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे। हाँ, उसके कुछ एडवांटेजेस हैं, बट उसका ये एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है कि जहां पर वो बनता है वो बहुत ज्यादा जगह कंज्यूम करता है। ऐसे ही हम लोग बोलते हैं ना न्यूक्लियर रिएक्टर को लोग बोल सकते हैं कि इट इज इजिली स्टोर्ड, नहीं, वो इजिली स्टोर नहीं होता यार, उसके लिए बहुत ज्यादा सेटअप चाहिए होता है। जिन लोगों को नॉलेज होगी उनको पता होगा कितना बड़ा रिएक्टर बनता है, एक तरफ से उसमें कूलेंट डलता है, कुछ होता है। हाँ, वो एनर्जी अच्छी देता है, वो हाई कैलोरीफिक होती है, बट उसको स्टोर करना आसान नहीं होता, बहुत मुश्किल होता है, मतलब काफी सारे प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं। आप लोग समझ पा रहे हो? तो एक अच्छा फ्यूल वो है विच इज इजी टू स्टोर। मैं ये नहीं कहता कि एक फ्यूल आपका सारे पॉइंट्स को सेटिस्फाई कर दे, हाँ इनमें से मैक्सिमम पॉइंट सेटिस्फाई होना चाहिए। जैसे आपका कोई फ्यूल होगा वो ट्रांसपोर्ट करने में इजी होगा तो उसमें पॉल्यूशन कॉज करेगा, कोई इकोनॉमिकल होगा तो वो ये कॉज करेगा। जैसे आपका न्यूक्लियर फ्यूल है वो सब में अच्छा है लेकिन वो इकोनॉमिकल नहीं है, वो महंगा है, ठीक है, आम आदमी उसे खरीद नहीं सकता है, ठीक है। अब इवन कुछ दे सकते उसको तो गवर्नमेंट भी नहीं खरीद पाती, तुम आम आदमी की बात कर रहे हो, ठीक है। इवन उनके पीछे तो पागल हो गए, कनाडा से चले गए थे अपना वो डील लेने के लिए, बट कोई नहीं, चलो वो तो बात की बातें हैं। पॉल्यूशन हो गया, कलर वैल्यू हो गई, और कौन सा बच गया, और क्या बच गया, बच गया, बच गया। हाँ, एक लास्ट पॉइंट है सिक्स, इजीली अवेलेबल। इजीली
अवेलेबल। अब मेरा मन नहीं कर रहा था ये पॉइंट बोलने का, क्योंकि जो इजीली अवेलेबल है ये इकोनॉमिकली हो गया। जो फ्यूल आसानी से अवेलेबल है वो सस्ता होगा, और जो आसानी से अवेलेबल नहीं होगा वो महंगा होगा। तो एक पॉइंट आप खुद से बैठ सकते हो, फ्यूल अ गुड सोर्स ऑफ एनर्जी इज दैट सोर्स ऑफ एनर्जी विच इज इजीली अवेलेबल, जो हर एक आदमी तक जिसकी पहुंच हो, गरीब से गरीब को मिले, अमीर से अमीर को मिले, सोसाइटी में डिफरेंस ना क्रिएट करे, ठीक है, उसको बोलते हैं गुड सोर्स ऑफ एनर्जी विच शुड बी इजीली अवेलेबल। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये छह पॉइंट समझ आए होंगे। आपका पहला पॉइंट था ट्रांसपोर्ट के ऊपर, दूसरा पॉइंट था आपका इकोनॉमी के ऊपर, तीसरा पॉइंट था आपका पोल्यूशन के ऊपर, चौथा पॉइंट था हमारे भाई लोगों आपका किसके ऊपर, चौथा पॉइंट था आपका हाई कैलोरीफिक वैल्यू के ऊपर, पांचवा पॉइंट था आपका स्टोरेज के ऊपर, और छठा पॉइंट था आपका अवेलेबिलिटी के ऊपर। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ, तो मैं क्या कर रहा हूँ, उम्मीद कर रहा हूँ आपको ये जो मैंने बेसिक पढ़ाया समझा, चैप्टर का इंट्रोडक्शन, बोलो यार अभी चैप्टर हम क्या पढ़ने वाले आगे, इस चैप्टर में आगे पढ़ने वाले हैं बहुत जबरदस्त चीजें, कन्वेंशनल सोर्सेज, क्या पढ़ेंगे कन्वेंशनल सोर्सेज, फिर इंप्रूवमेंट इन कन्वेंशनल सोर्सेज व्हेन टेक्नोलॉजी केम, टेक्नोलॉजी के आने से कन्वेंशनल सोर्स कैसे इंप्रूव हुए, फिर पढ़ेंगे नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, बड़ा मस्त रात्रि चैप्टर होने वाला है, ठीक है। तो वेट कीजिए अगली वीडियो का, तब तक के लिए जय हिंद।